नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आइडियल चैनल पर। आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ मुंबई के उपनगरों के साप्ताहिक बाजार में, जहाँ पर चीजें आपको दुकान के कीमत से आधी कीमत में या उससे भी कम कीमत में मिलेंगी। ये बाजार में आने से पहले लेकिन आपको बार्गेन सीख के आना पड़ेगा। भाव ताव बोल तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, लाल बटन को काला करिए दबाकर, साथ ही साथ बेल आइकन आएगा उसको दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं। मुंबई की सड़कों की हालत पता नहीं कब सुधरेगी, हमेशा ये गड्ढा किए रहते हैं। रोज कुछ न कुछ बनता है मगर रोज कुछ न कुछ खराब है। 100 रुपीज ईच बताया भैया ने, पर इसे और भी कम किया जा सकता था। बहुत ही यूनिक डिजाइन थे, बहुत ही अच्छा कलेक्शन था हर टाइप का। उसके बाद दिखा ये टेडी बेयर बच्चों के लिए, बच्चे के आजकल इसे बड़े भी बहुत पसंद करते हैं। प्लास्टिक के भी खिलौने थे तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बच्चों के अकॉर्डिंग इसे बार्गेन करके, भाव ताव करके अच्छी कीमत पर घर ले जा सकते हैं। अब आगे चलते हैं तो इस तरह के क्लोथ के कलेक्शन काफी सारे थे। ये बच्चों के सूट, नाइट सूट थे, ये 100 का 4 पीस बोल रहे थे, तो ये भी एक अच्छा कलेक्शन हो सकता है। इसके बाद मैंने देखा ये श्रग था 100 रुपीज। ये सारे टाइप के जीन्स सिर्फ 100 रुपीज, 100 रुपए में एक, इस तरह से ये आवाज दे रहे थे। सनग्लासेस की बात करें तो काफी सारी डिजाइनें थी और वो भी 70 रुपीज शायद बोल रहे थे। ये ईयर सॉरी फिंगर रिंग है, अंगूठी, इसमें भी ट्रेडिशनल, मॉडर्न, वेस्टर्न हर तरह की रिंग आपको मिलेगी। ये देखिए हर डिजाइन, हर कलेक्शन यूनिक, और इसकी कीमत सिर्फ 40 रुपीज ईच था और 100 में 3 पीस दे रहे थे, तो है ना ये यूनिक। और हर तरह का था, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही शेप साइज और डिजाइन थी, इसमें गोल्ड प्लेटिंग में भी था, डायमंड वाले भी थे, मनी वाले भी थे और वेस्टर्न भी काफी अच्छे अच्छे थे, ऑक्स सिल्वर वाले भी थे। आगे बढ़ के देखा मैंने तो फिर से यहाँ जीन्स मिल रही थी बच्चों की 100 रुपीज ईच, 100 रुपया 100 रुपया इस तरह से लोग चिल्ला रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या कलेक्शन यहाँ था। इस तरह के मार्केट में ना आपको चीजें काफी रिजनेबल मिल जाती हैं और ये हर जगह मुंबई के हर इलाके में मिलती है। ये पढ़ाई लिखाई करने के लिए छोटे बच्चों को चार्ट अल्फाबेट के, ये देखिए चाकू वाला भी घूम रहा था। एक और यूनिक कलेक्शन दिखा, ये 20 और 10 रुपीज दो ही भाव थे। ऊपर वाला साइड 10 रुपीज में था और नीचे के 20 रुपीज का ये कलेक्शन है। आप कोई सा भी ले लो 20 रुपया सिर्फ। इट वॉज रियली यूनिक एंड आप देख सकते हो पूरी तरह से मार्केट भरा हुआ है दोनों तरफ, दोनों लेन में लोगों की गर्दी लगी हुई है। जहाँ तक नजर जाएगी दुकानें ही दिखेंगी। इस तरह से मेकअप का भी सामान रखा हुआ था, पर मैं इसे बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगी कि लेना चाहिए। जूतों के भी 100-200 के सारे सेल लगे हुए थे और सारा फ्रेश पीस था, अच्छी डिजाइनें थी सब में। ये देखिए लेगिंग्स था, डिजाइनर लेगिंग्स 100 रुपीज का ही था सिर्फ। फिर से चप्पलों की सेल दिखी और ये भी 200 का ही था, इसे आपको चूज करना था। अब ये ड्रेस की बात करें तो ओनली 200 रुपीज कॉटन में, ये वाला तो बहुत ही सुपर था, इसे फील करके देखा जा सकता था। कॉटन एक नंबर, ओनली 200। गर्मियों की शुरुआत हो गई है तो अब इसी तरह के कपड़ों का
ये पर्स जो है 30 रुपीज में था और ये अट्रैक्शन था भाई जबरदस्त, 60 रुपीज का 100 में दो। ये फ्लावर आर्टिफिशियल लग रहे थे मगर लग नहीं रहे थे, बहुत ही सुंदर था। बालों के जूड़े में लगाने के लिए काफी यूनिक दिखा और कुछ नया दिखा, मेरे ख्याल से सभी को पसंद आएगा। और ये फ्लावर जो आपको लग रहा है कि मोगरा है, बट ये मोगरा नहीं है, प्लास्टिक है। दूर से तो बिल्कुल रियल लग रहा है कि जैसे गजरा रखा हो। बहुत ही अच्छा कलेक्शन, मुझे तो बहुत पसंद आया। ये जूड़े में इस तरह से लगा सकते हैं। ये क्लच है, ऊपर फूलों से सजा हुआ है, बहुत ही सुंदर। अब चलिए और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ। सोना चांदी रखा हुआ है, सिल्वर प्लेट एंड गोल्ड प्लेटेड मंगलसूत्र की भी काफी सारी कलेक्शन थी, पायल बहुत सारा था, महिलाओं की पसंद। ये 250 बोल रहे थे, 200 बोल रहे थे, मगर मुझे लगता है 100 तक ये ऑर्नामेंट आराम से मिल जाते। ये स्पेशली मंगलसूत्र की बात कर रही हूँ। ये सारा कुछ 100 रुपीज था, आप चाहे जो नेकलेस पसंद कर लो, 100 रुपीज ईच। आवाज लगा रहे थे कि 100 का 100 का 1, इस तरह से चिल्ला रहे थे। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी मिलते हैं, मगर संभल के देख समझ के लें। ये एक यूनिक चीज लगी, ग्लास का बॉटल था और उसमें लाइट जल रही थी। फिर से सनग्लासेस देखा और इस बार भी बहुत सारी अलग अलग डिजाइन और यूनिक स्टाइल के सनग्लासेस यहाँ दिखे। अब चलते हैं, ये देखिए नया इयररिंग्स, नया कलेक्शन। इसके भी प्राइजेस सबके अलग अलग थे, मगर बार्गेन यहाँ भी बनता है। हर एक डिजाइन खास यूनिक, आने वाले शादी विवाह और त्योहारों के हिसाब से ना बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन था। वाओ, अद्भुत। और ये सिल्वर या ऑक्सीडाइज 70 रुपीज है। कितना कैसे चलता है? चार्जिंग से। चार्जिंग से, चाबी से। अच्छा, 70 रुपीज में ये खिलौना था और शायद बार्गेन करते तो उससे भी कम हो जाता। और ये जो है वो चाबी से चलने वाला खिलौना था। मार्केट के आगे बढ़ते ही मैंने देखा कि दुकानें गायब हो गई, तो प्रशासन की तरफ से ये लोग लीगल नहीं होते हैं। सो वाला, सो वाला, सो वाला। 100, 100, 100। जो